नमो नारायण फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल astrosaga4u पर। सो कुंडली दर्पण की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कुंडली में पाए गए अत्यंत महत्वपूर्ण दोषों में से एक काल सर्प दोष के बारे में और इस दोष से पीड़ित कुंडली वाले जातकों के निवारण के बारे में। अब आइए चलते हैं छठे काल सर्प दोष की तरफ, जिसे महापदम काल सर्प दोष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के योग में राहु छठे भाव में तथा केतु बारहवें भाव में यानी व्यय के भाव में जाकर बैठते हैं और बाकी सभी प्लैनेट इन दोनों के बीच में आ जाने के कारण इस दोष का निर्माण होता है। इस प्रकार के दोष में जातक को पत्नी का विछोह सहन करना होता है, उसकी आय में कमी हो जाती है, उसको चरित्र हनन का कष्ट भी होता है। सो इस प्रकार के दोष से निवारण हेतु जातक को चाहिए कि अपने घर में सिद्ध काल सर्प योग शांति यंत्र की स्थापना करें, नियमित रूप से उसका पूजन करें और एक वर्ष तक अमावस्या को श्राद्ध करें। यदि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपका एक शेयर आपके किसी चिर परिचित की मदद कर पाने में सहयोगी साबित हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि हमारी इन फ्यूचर आने वाली सभी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। सो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रो आर्यन जल्दी मिलूंगा फिर से ही ऐसी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में प्रगति करते रहें। नमो नारायण फ्रेंड्स।